नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने नई कहानी प्रस्तुत हूँ। इसका नाम है संघर्ष। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द में पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी के दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बने? संघर्ष से संघर्ष जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतना ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता, उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्व कहता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते हो तो हर समय जो बाढ़ आदि तूफान और आते हैं वो कभी ना आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान होना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में शक्ति दे दे तो जैसे मैं चाहूँ वैसे मौसम कर दो, फिर आप देखने में अन्य भंडार लगा दो। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुराए थे। वो किसान किसान पकड़ होकर बोले, आज से तुझे शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों में तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा तुम मौसम कर दोगे, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। फसल अपने खेतों में बोई, जब उसे लगा कि खेतों में धूप चाहिए तो धूप मिले, जब पानी बरसे जब पानी बरसे, आंधी तूफान बाढ़ कुछ कभी भी अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई, हरी भरी लाल आदि फसल। मन ही मन में बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ ही गुजर के फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत शक के साथ फसल को काटने लगा, जब पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसको फसल पीट लिया और उन्हें चलाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत ही दुखी हो गया। उसे भगवान बोलते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मुझे फसल क्या किया, तुमने कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही ना कहा दिया, ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से दिया, ना धूप चढ़ने दिया। एक भी चुनौती का जो सामना तुमने कम करना नहीं थी, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है तो भी पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है। तो उस एक बार पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उसे कठोर से गुजरने नहीं दिया। जहाँ उनके अस्तित्व का जन्म होता है वो सारी बालियां इसलिए खाली रह गई। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने उसे पौधों को तो संघर्ष कराया है। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभास तभी आता है जब वो आग में तपने गलने और हथौड़े की पीठ से संघर्ष गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उच्च दाब और उच्च तापमान की मुश्किल परिस्थितियों से वो गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, क्योंकि अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। विपत्ति परिस्थितियाँ चुनौती समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौती आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरी मोटिवेशन स्पीच कोर्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और संघर्ष करते रहिए, संघर्ष से ना डरिए, संघर्ष ही जीवन है।